गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और आज की वेलकम है फिर से अरायना की मैगी के साथ। कोई इसको बोलो कि इतनी मैगी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मेरी बात ये नहीं मानती। इसको बोल अफसोस किस बात का, केले सड़ गए हैं। अब मैं क्या खाऊंगी? कुछ भी नहीं। देखो ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल तो केले ओरिजिनल ही होते हैं, बट जो पेड़ से तोड़े हुए वाले केले थे वो सड़ा दिए। बता अब मैं कैसे खाऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं आई थी डेंटिस्ट के पास। तो जो लोग बहुत दिल्ली दिल्ली करते हैं उनको दिल्ली का ट्रैफिक थोड़ा दिखाना चाहती हूँ। तो जहाँ अपनी जगहों पे हैं वो सबसे बढ़िया है। बंदा रोड क्रॉस करना चाहे हो नहीं कर सकता, वेट करो पहले तो। आप कोई रेड लाइट फॉलो नहीं करता यहाँ पे। कई बार लोगों को लगता है कि हाँ हम दिल्ली जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका करियर सेट है, आपने कोर्स किया है, मतलब कुछ भी, तो आपको आना चाहिए दिल्ली। अदरवाइज़ अगर आपकी जहाँ के आप हैं वहाँ पे कोई ऑप्शन हैं जॉब वगैरह के, तो सबसे बढ़िया है कि आप अपनी जगह पे रह के जॉब करें। ज़्यादा नहीं कम कमाएं, बस अपनी जगह अपनी होती है। मुझे लड़ाई हो गई। तो जी बात यह है कि इस टाइम पे इतना रश होता है 8 बजे के टाइम पे कि हम कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से मैं ना वॉक करके घर जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रिक्शा करूँगी तो मुझे 15-20 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। अगर मैं वॉक करके जाऊँगी तो मैं 10 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी। इसीलिए मैं वॉक करके जा रही हूँ। अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है, अभी सो के मेट्रो से पी जाए, इतना तो रिस्क दिखाना ही पड़ता है। राइट, चलो घर जाके आपसे मिलती हूँ मैं। वैसे तो मैं बोल रही थी घर जाके मिलूँगी, बट यार बहुत ही अंधेरा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ना, ऐसा लगता है कि वो मैं वीडियो कॉल पे हूँ और किसी से बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ना व्लॉग ऑन ही कर दिया, कैमरा ऑन ही कर दिया। चंद्रमा कितना अच्छा लग रहा है, लग रहे हैं सारी गलती से ना लग रहा है, मेरी जुबान पे आ गया। अरे मेरी शैडो इतनी भयानक लग रही है। अभी मैंने विकासपुरी में एंटर कर लिया है, तो अब मुझे डर नहीं लग रही, क्योंकि एरिया बहुत सेफ है। बस फोन चोरी होते हैं और तो सेफ है। दिन में मैं इसलिए नहीं आ सकती, मेरे रूट कनाल का प्रोसेस चल रहा है और वो जो डेंटिस्ट है उसके यहाँ पे बहुत रश रहता है। तो ये लगा लो मेरे को 15 मिनट्स वहाँ पहुँचने में लगते हैं, 15-20 मिनट्स उतना टाइम आने के लिए चाहिए। और उसके बाद वहाँ वेट भी करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि कितना रश है। और उस सब के बाद वहाँ भी प्रोसेस में भी 10-15 मिनट्स लग जाते हैं, जिस भी दिन जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स चाहिए होते हैं आने के लिए जाने के लिए, लगभग 1 घंटा तो फिर भी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि 7:30 के बाद मैं आती हूँ कि चलो ठीक है, ऑफिस का काम भी हो जाए और 1-1.5 घंटे के लिए छुट्टी तो ले नहीं सकती ना, इसीलिए। मतलब कुछ भी हो जाए ना, अपना एरिया ही होता है, हमको बहुत सेफ फील होता है अपनी जगह पे आके। और विकासपुरी भी बढ़िया एरिया है और काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे ऐसे कोई डर भी नहीं लगती, लगता है बस अपनी जगह पे आ गए हैं। काम होता है तो ही मैं निकलती हूँ, बाकी घूमने फिरने के लिए ऐसे नहीं निकलना चाहिए रात को अकेले। मतलब ग्रुप में तो चलता है। वैसे मैं वहाँ पे कुछ बोली नहीं, परसों कड़वा चौथ है, करवा चौथ है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। मेहंदी लग रही थी यहाँ पे, बताओ इतने भीड़ में मेहंदी लगवा रही है यहाँ पे। तो चलो थोड़े ही लोग हैं, अगर मैं आगे मार्केट की साइड जाऊँगी तो वहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होगी आज। वैसे ना दोस्तों मैं बहुत चलती हूँ, जबकि मैं दिन भर की भी थकती होती हूँ।
मेनली उत्तराखंड की हूँ और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको तो यहाँ पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। और हमको वहाँ पे अब हमको लगता है कि हम थोड़े दिन के लिए जाते तो ठीक है, पर ज़्यादा दिन हम लोग रह नहीं पाते क्योंकि अब यहाँ हम लोग घर में ही 8-9 बजे तक घुसते हैं। वहाँ पे अगर मार्केट चले जाओ, अगर 6-6:30 बजे तक वापस आ जाओ तो आ जाओ, अदरवाइज अगर आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है तो आपको पब्लिक कन्वेंस तो वहाँ मिलेगा ही नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स हमको लगती हैं। बाकी आप बहुत चेंज हो चुका है, मार्केट वगैरह तो सारी अवेलेबल है, हर चीज़ वहाँ पर मिलती है जो यहाँ है। बस यही थोड़ा सा लगता है यहाँ पे टाइम की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहती, इतने बजे घर जाना है फिर मार्केट नहीं खुली होगी या फिर कन्वेंस नहीं मिलेगा, ये सारी दिक्कतें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो इसी के साथ मैं पहुँचने वाली हूँ, ऐसा आगे ना मंदिर है, मैं आपको दर्शन कराती हूँ अगर कपाट खुले हैं तो। चुपचाप से दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं अलाव है कि नहीं है, अंदर तक तो नहीं जा रही। देखो मैं ज्यादा नहीं कर सकती थी ना, थोड़े दर्शन तो मैंने करा ही दिए। हमें और अब मैं सच में ही रख रही हूँ फोन, अभी जिया के साथ, जिया उर्फ अरायना के साथ आपको मिलती हूँ और ब्लॉग एंड करने से पहले, और आपसे हम बात करेंगे। और क्योंकि अब मैं घर तक तो आपको ब्लॉग नहीं दिखा सकती ना, वरना पता चल जाएगा मैं कहाँ रहती हूँ। कल के दिन मैं एक क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर यूट्यूबर बन गई, तो फिर बताओ जैसे सौरभ जोशी के घर को ढूंढते हैं रिश्ते लोग पहुँच जाते हैं ना, मेरे को भी ढूंढ लेंगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती ना, इसीलिए ज़्यादा हो गया थोड़ा, बट चलता है। हे गाइस, तो बज गए हैं रात के 12 और कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे घर पे जो कल भी पहले सो गए थे खाना खाने से और मुझसे फिर लड़ रहे थे जगाने के लिए, और वो आज भी पहले सो गए थे, उनको बड़ी मशक्कत के बाद जगाया गया है कि प्लीज़ कृपा करके आप डिनर कर लीजिए उसके बाद सोइए। ऐसे काहे देख रही हैं आप, क्या समस्या है इस प्राणी को, क्यों मुंह छुपा रही है, क्यों सोई रोज अब नींद पूरी कर ली, अब सोएगी नहीं 2 बजे से पहले, आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ तंग मत करो, कुछ बोलना चाहती है? गुड बाय। तो कुछ तो बोल, मैसेज तो दे, क्या तो क्या आज क्या किया? देखो आप लोग हमको देख के लेट मत सोना और अब आप सो जाओ। नहीं तू ये, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तूने आज दिन भर क्या किया, क्योंकि तेरी क्लास भी नहीं थी ना आज, 9 बजे की नहीं थी, फिर उसके बाद की थी। हाँ मुझे पता है तू 10:30 बजे उठी थी सुबह, उसके बाद तेरी क्लास यार क्लास नहीं थी तो मैं क्या करूँ यार, बच्चा जल्दी क्यों उठेगा, और कल तो है ही नहीं, मतलब कल तो उठेगी ही नहीं। अब ये बता उसके बाद क्या किया तूने दिन में? कैसे कैसे टाइम बर्बाद किया ये बता, वहाँ क्या किया, वहाँ पे क्या किया, कुछ तो किया ही था यार, तो मेरे को याद नहीं है। वहाँ से आई फिर लंच किया, क्या किया लंच में तूने आज? लंच में राजमा चावल और वो क्या था, पनीर का जो भी था, कुच्ची कुच्ची। अच्छा फिर शाम को क्या किया तूने, बाहर फिर चली गई थी तू? तो खेलने चली गई ना, क्या खेला? और सही है, तो सही टाइम खराब किया है लड़की ने आज, बधाई की पात्र है ये। और मैं तो आज बहुत बिजी थी और इसलिए मैं बहुत थक भी गई हूँ, दिन भर बहुत काम था ऑफिस में, फिर शाम को लेट इवनिंग में डेंटिस्ट के पास गई थी, उसकी वीडियो आपने देख ली होगी रास्ते की, अंधेरे में भी व्लॉगिंग करते करते, इतनी मेहनती लड़की हूँ मैं, ठीक है? और कुछ लोग देखो खाना नहीं खाते, ये सत्य झूठ है कि ये मेहनती लड़कियां। चलो इसकी बातों पे आप ध्यान देना, ध्यान मत देना, देना। और इसी के साथ आज के हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल बिल्कुल फ्रेश व्लॉग में, और आज की जैसे डेली की जैसे हम कल भी कुछ नहीं करेंगे जो भी होगा वो आप तक लेके आएंगे, लेकिन हम ठीक है। कल मैंने कुछ सोच रखा है, वैसे कुछ एक्टिविटी मच्छर काट रहे
मच्छर काट रही है, एक्टिविटी है। नहीं, कल के लिए कुछ एक्टिविटी मैंने सोच रखी है। वैसे आज मुझे लोगों ने यूं भी बिजी कर दिया था, किसी के बालों में मेहंदी लगानी थी, मतलब किसी की नहीं, रजनी दीदी के, और यही सब में मैं बिजी हो गई। नहीं, ये सब झूठ है वैसे तो, ये मतलब इस सब में भी बिजी हुई, मतलब मेरे 15-20 मिनट लगी गए थे ना। तो कल देखते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे, पता चल जाएगा आपको कल जो भी करेंगे। तब तक के लिए बाय।